सरोकार। आज पाक से आए हिंदू शरणार्थियों के लिए कश्मीर फाइल्स की विशेष स्क्रीनिंग रखी। श्रीलंका की नेवी ने भारत के 16 मछुआरों को किया गिरफ्तार। पीएम मोदी ने भारत के पूर्व चीफ जस्टिस रमेश चंद्र लाहोटी के निधन पर जताया शोक। कोरोना ने फिर बढ़ाई अमेरिका की मुसीबत। ओमिक्रॉन BA.2 वेरिएंट से संक्रमण के मामले में इजाफा। बीजेपी के विधायक दल की बैठक आज। सीएम योगी दिल्ली से लखनऊ रवाना। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं खबरों की। रूस और यूक्रेन के बीच 29वें दिन भी भीषण जंग जारी है। रूसी सैनिक लगातार यूक्रेन से अलग अलग शहरों को निशाना बनाकर तबाह कर रहे हैं। इस बीच रात में सड़क पर निकले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने दुनिया से रूस के युद्ध को रोकने की अपील की है। उन्होंने कहा कि हम सभी को रूस को रोकना होगा, दुनिया को यह युद्ध रोकना चाहिए। मैं उन सभी का आभारी हूं जो यूक्रेन के समर्थन में काम करते हैं, यूक्रेन की आजादी के समर्थन में काम कर रहे हैं, लेकिन युद्ध जारी है। यूक्रेन में नागरिकों के खिलाफ आतंक जारी है। युद्ध को एक महीना बीत गया है, इतना लंबा युद्ध। मेरा दिल सभी यूक्रेनियन और धरती पर हर स्वतंत्र व्यक्ति के दिल को तोड़ देता है, इसलिए मैं आपसे युद्ध का विरोध करने के लिए कहता हूं। युद्ध पे विराम लगाने की जेलेंस्की ने अपील की है। देश में कोरोना के मामले लगातार दूसरे दिन बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1938 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 67 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कोरोना की स्थिति को लेकर अपडेट जारी किया है। राहत की बात है कि कोरोना के एक्टिव मामले लगातार घट रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 2531 लोग ठीक हुए हैं। इसके साथ ही एक्टिव केस घटकर अब 22427 हो गए हैं। इससे पहले केंद्र सरकार ने बुधवार को 31 मार्च से सभी कोविड पाबंदियों को खत्म करने का ऐलान किया है। हालांकि अभी फेस मास्क लगाना जरूरी होगा। 2 साल बाद सरकार ने कोविड पाबंदियां खत्म की हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार के गठन की प्रक्रिया आज से शुरू हो जाएगी। लोकभवन में शाम 4 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह और रघुवर दास भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर विधानसभा चुनाव लड़ा था, ऐसे में पार्टी के वरिष्ठ विधायक योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुनने का प्रस्ताव रखेंगे। योगी आदित्यनाथ के विधायक दल का नेता चुना जाना तय है। प्रस्ताव के बाद योगी आदित्यनाथ और अमित शाह बैठक को संबोधित करेंगे। बैठक के बाद बीजेपी विधायक दल के नेता योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंचकर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को 273 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इस दौरान चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा यूपी बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा आज यानी 24 मार्च से शुरू हो गई है। इस परीक्षा में 51 लाख छात्र छात्राएं शामिल हैं। पहले दिन पहली पाली में हाईस्कूल की हिंदी और इंटरमीडिएट की सैन्य विज्ञान विषय की परीक्षा है। सुबह 8 बजे से पहली पाली की परीक्षा शुरू हो गई, जिसमें चेकिंग के बाद परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी, जिसमें भी चेकिंग के बाद ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। वहीं परीक्षा केंद्रों की निगरानी जिला स्तरीय कंट्रोल रूम से सीसीटीवी के माध्यम से की जा रही है। अलीगढ़ में सपा एमएलसी प्रत्याशी जसवंत सिंह का पर्चा प्रशासन दर्जा खारिज कर दिया गया है, क्योंकि एक दिन प्रशासन ने 3 प्रस्तावों के हस्ताक्षर पर आपत्ति जताई थी, जिसके बाद 2 महिला प्रस्तावक तो प्रस्तुत हो गई, लेकिन तीसरा प्रस्तावक प्रमोद
अल्टीमेटम के बाद भी कलेक्ट्रेट नहीं पहुंचा। वहीं इस पूरे मामले के बाद भाजपा एमएलसी प्रत्याशी ऋषिपाल सिंह ने खुद को निर्विरोध विजेता घोषित कर दिया है, जबकि इस दौरान एडीएम सिटी ने बताया कि अभी पर्चा खारिज किया गया है, लेकिन नाम वापसी के बाद ही फाइनल रिजल्ट घोषित किया जाएगा। जमीन से निकल करके आकर के, खेत खलियान से निकल करके आकर के और कोई एमएलसी बने तो माहवार से क्या कम है? जिसने 15 रुपये रोज की मजदूरी की हो, किसी फैक्ट्री में काम किया हो, वो आज एमएलसी बनकर के, एमएलसी का संदेश लेकर के यहाँ से जा रहा है। बना नहीं बने जजमेंट आ गया है तो कैसा लग रहा होगा ये आप महसूस कर सकते हैं। जिस तरह आपने आपत्ति जताई थी वो सही रही? हाँ, आपत्ति कोर्ट ने मानी है, यहाँ पर जो बैठे हैं जस्टिस उन्होंने माना है, स्वीकार किया है। एजेंडा क्या रहेगा आपका जो पब्लिक के लिए, क्या समाज के लिए? समाज के लिए पैदा हुआ, समाज के लिए हूँ। पिछले 44 वर्ष से समाज से, संगठन से, सबसे मैं जीत का जुड़ता रहा। किसको देंगे आप? भारतीय जनता पार्टी को दूंगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को दूंगा, मेरे समर्थकों को दूंगा, बूथ स्तर से लेकर के सबके हृदय से मेरे साथ थे सब। ग्राउंड कुछ नहीं है, वैसे ही ऑब्जेक्शन लगा दिया है, कोई ऑब्जेक्शन जो है लीगल नहीं है। क्या ऑब्जेक्शन लगाया, किस तरह ऑब्जेक्शन ये लगाया है कि ये आपके संदिग्ध हैं 3 प्रस्ताव। कौन कौन संदिग्ध उस स्थिति में माने जाते हैं जब प्रस्तावक आगे स्वयं कहे कि ये मैंने साइन नहीं किए। एक अगर कोई थर्ड पर्सन कहता है कि ये संदिग्ध है तो उस स्थिति में जो है पर्चा खारिज नहीं। क्या क्या नाम है उन तीनों संदिग्ध के? 2 लेडीज हैं और एक प्रमोद कुमार जैन। तो कल जैसे कल 2 प्रस्तावक पेश भी किए थे आपने? 2 पेश कर दिए थे और अब एक किसी कारणवश नहीं आ पा रहा है। अब क्या कारण है ये तो? अच्छा, नियम क्या है अगर नहीं आ पाता तो क्या पर्चा खारिज नहीं किया जा सकता इस बीच? इसमें सपा के प्रत्याशी जो थे श्री जसवंत सिंह जी, उनके जो प्रपोजर्स थे 10, उसमें 3 लोगों के नाम पे आपत्ति विपक्षी के द्वारा दायर किया गया। तो उसके क्रम में सारा परीक्षण किया गया और उसमें एक प्रपोजर के सिग्नेचर या जो भी चीज़ें थी वो हाजिर भी नहीं हो पाए। तो जो भी कारण थे आरओ ने उसको प्रॉपर सुनने के बाद, समय देने के बाद अपना जो है डिसीजन आरपी एक्ट की धारा 36 के तहत उसको सुनवाई करने के उपरांत जो नॉमिनेशन पेपर था उसको रिजेक्ट किया है। बाकी हमारा विड्रॉल का डेट कल है, सारी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद हम नॉमिनेशन को फाइनली अपने सीईओ ऑफिस और ईसीआई ऑफिस को भेजेंगे। देवरिया में ग्राम प्रधान की दबंगई देखने को मिली, जहां पहले तो ग्राम प्रधान जितेंद्र यादव अपने साथियों के साथ कुशीनगर एयरपोर्ट पर तैनात दीवान दयाशंकर प्रसाद के घर पर ईंट पत्थर बरसाए, जिसमें घर में मौजूद महिलाओं ने छिपकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद प्रधान जितेंद्र यादव ने दीवान का कॉलर पकड़ गाली गलौज करते हुए दीवान को कुल्हाड़ी लेकर जान से मारने की धमकी दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। लेकिन इस पूरे मामले पर पुलिस ने ग्राम प्रधान के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके बाद दबंग ग्राम प्रधान ने बिना किसी आदेश के पीड़ित दयाशंकर की घर की दीवार भी गिरा दी। खबर बस्ती से है, जहां हरैया एसओजी टीम और सर्विलांस की संयुक्त टीम ने 320 लीटर रेक्टिफाइड से अपमिश्रित शराब तैयार कर बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक वैगनार कार के साथ 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तस्कर मोहित, विक्रम, अतुल, पिंकी, पत्नी भजमन उर्फ कुक्कुन को गिरफ्तार किया है। वहीं इस दौरान हरैया पुलिस ने बताया कि मुर्दहवा पुल के पास के वैगनार कार को रोककर तलाशी लेने पर उसमें रेक्टिफाइड स्प्रिट बरामद हुई और 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। श्रावस्ती में कायाकल्प अवार्ड योजना के अंतर्गत साल 2021-22 के दौरान मेडिकल क्षेत्र में सराहनीय योगदान सहयोग के लिए जिला अस्पताल के चिकित्सकों और पैरा मेडिकल कर्मियों को डीएम नेहा प्रकाश ने प्रशंसा पत्र प्रदान किया है। वहीं इस दौरान डीएम ने कहा कि जिले के विकास में स्वास्थ्य विभाग की अहम भूमिका है, इसलिए सभी चिकित्सक और पैरा मेडिकल कर्मी अपना दायित्व समझकर अस्पताल में आने वाले मरीजों को बिना भेदभाव के स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराएं। आगे उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि आगे भी स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी भावना और जोश के साथ अस्पताल आने वाले मरीजों को सभी प्रकार की सुविधा मुहैया कराते रहेंगे।
ये ऑपरेशन कायाकल्प के तहत हमारा जिला चिकित्सालय भीमला श्रावस्ती पूरे प्रदेश में थर्ड रैंक पर आया है और इसीलिए ये एक टीम वर्क है। यहाँ के सभी डॉक्टर्स, अधिकारी, कर्मचारी सब लोगों ने बहुत मेहनत की है और इस स्तर पर हमारे अस्पताल में पहुँचाया है। इसी क्रम में आज सभी को सम्मानित किया गया। आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत गाजीपुर के सिद्धपीठ हथियाराम मठ पहुंचे, जहां उन्होंने 850 साल पूर्व विराजमान बुढ़िया माई का मत्था टेक और विधिवत पूजा अर्चना किया। इसके पश्चात मठ परिसर के अंदर स्थित अन्य मंदिरों में भी पूजा की। इस दौरान कन्याओं के द्वारा जय श्री राम के नारे का उद्घोष कर उनका स्वागत किया गया। वहीं कार्यक्रम की स्वागत के लिए वाराणसी घराने के शहनाई वादक ओनी अपने शहनाई से कई तरह के धुन छोड़कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान मोहन भागवत ने मठ परिसर के अंदर ध्वज पूजन भी किया। दुनिया के किसी भी जन को, देश को पीड़ित नहीं किया। अगर दुनिया भर में गए कि दुनिया को एक कुटुंब बनाया, ऐसा हमारा देश, उसके हम नागरिक हैं, उस देश के हम पुत्र हैं, इसलिए आपस में सहोदर भाई हैं, हम एक दूसरे के भाई लगते हैं। अनेक प्रकार के जाति पाति है, पंथ भाषा संप्रदाय है, बहुत सारी बातें हैं। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां एमपीएमएलए एफटीसी कोर्ट ने अवैध हथियार मामले में फैसला सुनाया। निवर्तमान एमएलसी अध्यक्ष प्रताप को दोषी मानते हुए 7 वर्ष की सजा सुनाई और साथ ही 10,000 का जुर्माना भी लगाया गया। बता दें कि इससे पहले 15 मार्च को कोर्ट ने अक्षय को सजा सुनाते हुए जेल भेजने के निर्देश दिए थे। सुनवाई के वक्त अक्षय प्रताप के साथ राजा भैया भी मौजूद थे। वहीं एमएलसी चुनाव से पहले जनसत्ता दल को बहुत बड़ा झटका लगा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।